पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का 75 साल की उम्र में बीते गुरुवार 12 जनवरी को निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पापा नहीं रहे। शरद यादव 4 बार बिहार के मधेपुरा सीट से सांसद रहे हैं, साथ ही वह जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के साथ केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। RJD के नेता शरद यादव के निधन पर PM मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। जानकारी के मुताबिक शरद यादव का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव बंदाई में किया जाएगा। कि योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ, अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग सभी लोगों को एकजुट रह करके चाहे नेताजी या शरद जी के कुर्बानी को हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, उनके दिखाए हुए दिशा पर चलने की ज़रूरत है। और हम सब लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में भी लगातार शरद जी हमसे संपर्क में रहे। कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात भी हुई थी, स्वस्थ हैं और बार बार यही कह रहे थे कि आगे जो चुनौतियां हैं समाजवादियों के आगे उसको निपटने में आगे बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ो। और हम सब लोग आज उनके ना होने पर सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके राह पर हम लोग चलें और सामाजिक न्याय को अंतिम मंजर तक पहुंचाने का काम करें।